कर रहे हो? दरवाजा खोलो। कौन सा दरवाजा? क्यों? अरे खोलो यार, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं नहीं खोल सकता। ये तुम्हारा मसला नहीं है, समझे? तुम्हें तमीज नहीं। तुम्हारे पास इसका रिमोट है, मालिक से पूछना जरूरी है। मालिक को छोड़ो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली तुम ठीक हो ना? फरीद, फरीद ठीक है। नाज़ली तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। मुझे ले जाओ। वो कब तक ठीक हो जाएगी? परेशान मत हो, आज आप उसे आराम करने दें, क्योंकि मैंने उसे सोने की दवाई दी है। चलता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। खुदा हाफिज़। डेनिस, थोड़ा और आराम कर लो तुम। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम करने की बहुत जरूरत है। कैसे हुआ ये? मैं यहाँ कैसे आई? मैं भी यही पूछने वाला था वैसे, लेकिन पहले तुम ठीक हो जाओ, आराम कर लो, हम बाद में बात करते हैं। मैं तो मछलियाँ देखने गई थी, दरवाज़ा बंद हो गया, पता नहीं चला, फिर मैंने आवाज़ लगाई, पर किसी ने नहीं सुना। मैंने सुना है। क्या चीज़? मतलब सिर्फ सुना ही नहीं, महसूस किया है। अगर तुम ना आते तो? उसके बारे में मत सोचो, ठीक है? तुम वहीं थी, मैं वहां आया, तुम्हें लिया और यहाँ लेकर आ गया। अब तुम खतरे से बाहर हो। तुम्हें बुखार हो रहा है। फरीद कहाँ है? पता नहीं। मुझे शादी करने जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। नाज़ली, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर ने पूरा दिन आराम करने के लिए कहा है। कोई शादी वगैरह नहीं हो रही है, सब चले गए। उन्हें पता है क्या? मैं उन्हें कॉल करूंगा। तुम आराम करो, ओके? तुम्हारे साथ बड़ा हादसा हुआ है, तुम अभी आराम करो बस। मैं सबको बताता हूँ, फिक्र मत करो। बता दो। मैं चाय बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। हेलो बाजी। डेनिस, खबर सुनी क्या तुमने? कैसी खबर बाजी? नाज़ली शादी पर नहीं आई। मेरे सुनने में आया कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल करूं असल बात जानने के लिए। नाज़ली कहाँ है तुम जानते हो? जी पता है मुझे, वो मेरे पास है, मेरे घर पर। तुम्हारे साथ है? तो फिर कैसी है तबीयत उसकी? तुम जानना क्या चाहती हो बाजी? मेरी जान, मुझे बस नाज़ली की फिक्र थी। देखो नाज़ली ठीक है और मेरे साथ है। अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है डेनिस, ठीक है। आफरीन है तुम पे नाज़ली, तो तुम वहां से भी बच निकली। अब क्या करोगी? फरीद क्या कहेगा जब उसे पता चलेगा कि नाज़ली इस वक्त डेनिस के साथ है? हाँ डेमिट बोलो। फरीद क्या हाल है? अच्छा जो मैंने खबर सुनी है वो सच है? तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई? नहीं डेमिट, नाज़ली की तबीयत खराब होने की वजह से डेट आगे बढ़ा दी मैंने। एक बच्चा भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, जानते हो ना ये बात तुम? मैं जानती हूँ कि नाज़ली शादी पर नहीं आई और तुम पागलों की तरह उसे तलाश कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है ये डेमिट, रख रहा हूँ मैं फोन, बाय। वैसे मुझे पता है नाज़ली कहाँ है। नाज़ली इस वक्त डेनिस के घर है, चाहो तो जाकर देख लो। क्या बकवास कर रही हो तुम? नाज़ली वहाँ क्यों होगी? ओह मुझे नहीं पता। जाओ जाकर पूछ लो उससे, मेरा ये एहसान नहीं भूलना फरीद। ये चाय पीकर तुम्हें बेहतर महसूस होगा। ठीक हूँ मैं। वैसे तुम वहां पर क्या कर रही थी? मेरा मतलब अपनी शादी से कुछ घंटे पहले तुम वहाँ क्या कर रही थी? हनीमून की वजह से मैं 2 दिन रेस्टोरेंट में नहीं होती, इसलिए। और हमें मछलियों की जरूरत थी। बस सिर्फ यही बात थी क्या? यानी मुझे तो ऐसे लगा था शायद कि तुम शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। ऐसा है? फरीद ने क्या कहा? क्या मतलब? तुमने उसको बताया तो क्या वो डर गया था या गुस्से में था? मैंने अब तक उसे नहीं बताया। डेनिस तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने अभी तक उसको क्यों नहीं बताया ये? देखो नाज़ली, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। अभी इस तरह फोन करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैंने कॉल नहीं की। मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह पहले आराम कर लो, ठीक हो जाओ। मेरा फोन कहाँ है? अगर बैग में था तो कार में होगा। डेनिस मुझे जाना होगा, वो मेरे लिए परेशान होंगे। नाज़ली तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम का कहा है, समझो उस बात को। मैं कर लूंगा, तुम रहने दो नाज़ली। मैं देखता हूँ कौन आया है। कौन है? नाज़ली। फरीद मैं। मैं क्या नाज़ली? मैं क्या? इस बार कौन सा झूठ बोलोगी तुम? क्या बहाना बनाओगी कि तुम भूल गई कि आज हमारी शादी थी? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? बैठो मैं बताती हूँ। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब अच्छे से पता है। नाज़ली डेनिस यह हमारा मसला है, तो प्लीज क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? मैं गाड़ी को ठीक कराता हूं। बिना कुछ जाने मत बोलो, मेरी बात तो सुनो, एटलीस्ट मुझे कुछ बताना है। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। ऐसा है क्या? वादा किया था तुमने कि हम शादी करेंगे, याद है तुम्हें? हम ये बुलंद कली करने वाले थे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। सबको कैसे इस शादी पर भरोसा करवाएंगे, सोचा इस बारे में? फरीद, तुम यहाँ डेनिस के घर में छुप के बैठी हो, ऐसी क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों यहाँ? तुमने उसको बता दिया कि हम झूठी शादी कर रहे हैं। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या बात की। हाँ बताओ, क्यों आई थी तुम यहाँ? मैं तुम्हारा बहाना जानना चाहता हूँ, क्यों आई थी तुम यहाँ? चलो अब बताओ मुझे। कोई बहाना नहीं है। शायद मैं घबरा गई थी, शायद मैं इसके लिए तैयार ही नहीं थी, शायद मेरा दिल कर रहा था डेनिस से बात करने का, और कुछ पर फिक्र मत करो, मैं किसी को हमारी झूठी शादी के बारे में नहीं बताऊंगी। फिर हम क्या करेंगे? क्या हम शादी करेंगे या नहीं? तुम अपना वादा पूरा करोगी या नहीं? जवाब दो मुझे। क्या तुम अभी मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम अपना वादा पूरा करोगी या नहीं? ठीक है, ठीक है, कल ही शादी कर लेते हैं। नहीं, आज। ठीक है, आज ही। चलो चलते हैं। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं डेनिस। क्या उसे बताओगी नहीं नाज़ली कि तुम मौत के मुंह से बाहर आई हो? तुम बताती क्यों नहीं हो? मैं बताना चाहती थी, लेकिन जरूरत नहीं थी, भूल जाओ। Zamanın eli değdi bize, çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. तुम कैसे इंसान हो? क्या हुआ? क्या किया मैंने? कुछ नहीं, मेरा मतलब है बस ऐसे ही हो तुम, जैसे हो वैसे ही रहना। बहुत डिफरेंट हो, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हो, हर कोई तुम्हें पसंद करता है। değil bize, çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Zaaflarına bir gece, hatalarına bir nilüfer, sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanılgı. Topluma emanet et sen de benden kalanları. Her şeyi al, bana beni geri ver, bir şansım olsun. Başka yer, başka... सब शादी में गए हैं. तुम यहाँ क्यों? तुम वहाँ नहीं हो ना? मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद था बहुत. कैसी हो? बस ठीक हूँ. न्यूज़ का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ होगा. जाहिर है तुम्हारे लिए मुश्किल बात है, शादी का पहला दिन जो है. हाँ, बहुत मुश्किल है. ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने. क्यों हो गया सब कुछ? हाँ बिल्कुल, इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी. मसलन कि तुम्हारी शादी हो गई. ये इश्क है, बहुत ताकतवर होता है. हाँ, हमारी अचानक शादी हो गई, लेकिन तुम्हें पता है कि जल्दबाजी की वजह सिर्फ बुलूद है. हम जल्द से जल्द दावा करना चाहते हैं. हाँ, लेकिन जाहिर है सिर्फ बुलूद के लिए शादी थोड़ी की है तुम दोनों ने. वो मौजू भी अपनी जगह पर है, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, है ना नाज़ली? ये लीजिए, आ गई है आप सबकी गर्मा गर्म चाय. अब उठा लो ये. डेनिस, आलिया कहाँ है यार? पता नहीं कहाँ गायब है. मैं कब से उसे फोन कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन बंद है. आलिया चली गई. चली गई? कहाँ चली गई? मुल्क से बाहर जाने का प्लान था उसके साथ, मगर मैंने इनकार कर दिया. मैं यहाँ रहना चाहता था और वो खुद चली गई. तुम लोग फिर अलग हो गए क्या? हम पहले ही अलग थे. यानी आलिया इसीलिए जा चुकी है क्योंकि उसने तुम्हारी तरफ से अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी है. हाँ, मुझे बुरा लग रहा है यार, उससे बहुत प्यार करती थी मैं. उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, और मैं उसे अलविदा भी नहीं कह सकी. हाँ बुरा हुआ, मुश्किल था, लेकिन कभी मुश्किल काम भी सही होता है. ऐसा होना बेहतर था हम दोनों के लिए, और मैंने वाकई उसको बहुत तकलीफ पहुंचाई. हाँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं था. उसके साथ ना जाने की क्या वजह है? आसुमान, ठीक है, तुम मत बोलो बीच में. मैं चलता हूँ, कुछ चाहिए हो तो फोन करके बता देना मुझे. ठीक है, हम फिर बात करते हैं. शब बखैर. गुड नाइट. अब चूंकि सारा मजा किरकिरा हो चुका है तो मैं सोने चलती हूँ. गुड नाइट. ठीक है आसुमान. यार नाज़ली, डेनिस जैसी बातें कर रहा था ना, उसे शक है तुम्हारी शादी पे. उसने कुछ सुना तो नहीं? बताओ मुझे. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे ख्याल से वो अजीब बर्ताव कर रहा है बहुत. हाँ, तुम्हें ध्यान करना होगा नाज़ली, ये बात समझ लो तुम. जब तक डेनिस तुम्हारे आसपास है ना, तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से रहना होगा. फतोश, मैं अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहती कुछ. मैं सिर्फ फरीद के लिए सोच रही हूँ. हाय, मुझे बड़ी नींद आ रही है नाज़ली. पूरे दिन इतना ज्यादा थक गई हूँ कि बस अब नींद आ रही है. तुम भी बहुत थक चुकी होगी, सो जाओ. नहीं, अभी थोड़ा सा जागना होगा. ये जरा साफ सफाई कर दूँ मैं. देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है. बिल्कुल ऐसी जैसे मुझे चाहिए था। बहुत अच्छा है। देख तो रहा हूँ पर चखूंगा तो पता चलेगा ना भाई। देखो बहुत लजीज। गुड लक। सबसे अच्छी चीज तो अभी रहती है। इस पे चटनी डाल। क्या हाल है तुम लोगों के? फरीद कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा नया असिस्टेंट है, दुआएं इसके लिए। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा लीमू चटनी चाटता हुआ गुजर जाऊं। बहुत लजीज है। वैसे आने की एक और वजह भी थी। तुम कल भी आए थे ना जब मैं नहीं था। मेरे पीछे मेरी बीवी का ख्याल रखने का शुक्रिया। मैं भी फिक्रमंद हूँ। बहुत शुक्रिया डेनिस, शुक्रिया। थोड़ी देर बैठें, कॉफी पिए? ऊपर? नहीं, एक्चुअली मुझे नुमाइश पर जाना है। बाद में मिलते हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर तैयार है तो मुझे भी मिल सकती है। आखिरी काम रह गया है, बस तैयार करके देती हूँ। ठीक है, मैं ऊपर हूँ। लग रही हो तुम। डेनिस तुम ऊपर क्यों नहीं हो? बुलूद को ये चटनी बहुत पसंद है, उसके लिए बना रही थी। तुम थोड़ी बेजार लग रही हो। नहीं, ऐसा क्यों कहा? दरअसल मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया। छोड़ो उस बात को, रेगुलर के मसाइल हैं मेरे। ऐसा फरीद की वजह से तो नहीं है ना? नहीं, उससे क्यों होगा? पता नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी से हो गया। हम इस बारे में बहुत दफा बात कर चुके हैं। एक काम जो होना था वो बुलूद की वजह से हो गया, बस। तुमसे कुछ पूछना था। अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं है तो तुमने ये नकली शादी बुलूद के लिए की है ना? डेनिस, तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ा जब फरीद को ये सब पता चला? या फिर मैं उसको बताने से खौफजदा हो रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि फरीद क्या करेगा। नहीं, तुम शर्मिंदा थी क्योंकि तुम साफ हो, ईमानदार हो, तुम मुख्तलिफ हो नाज़ली। डेनिस, मैं फरीद से प्यार करती हूँ। हाँ, मैं शर्मिंदा थी। मैं शर्मिंदा थी क्योंकि मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। उस आदमी की आंखों में देखकर झूठ बोला जिसको मैं प्यार करती हूँ। डेनिस, मुझे पता था वो मुझसे प्यार करता है। कितनी बुरी हालत होगी जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसके साथ ये सब किया। मैं शर्मिंदा थी डेनिस कि मैंने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। ठीक है, चलो चले, बुलूद को इंतजार नहीं कराते, गुस्सा हो जाता है। चटनी तैयार है, चलो। तुम्हें इसी चटनी के साथ खाना होगा। देखो वो आ गई। कहाँ रह गई जी सब नाज़ली? ये रही आपकी चटनी। हम लोग बस कुछ बातें कर रहे थे। कोफ्ते कैसे थे? बहुत अच्छे हैं। अरे मेरे उस्ताद ने एक दफा मुझे मुर्गा बना दिया और मुर्गा क्लास के अंदर नहीं क्लास के बाहर पूरे स्कूल में तमाशा बन गया मेरा। हाँ। चलो बोलो, चलने का वक्त हो गया है। तुमने आंखें मलना शुरू कर दी है, नींद आ रही है तुम्हें? मामा थोड़ी देर और रुकने देना यहाँ, हमें काफी देर हो गई है। घर चलते हैं, जाके शावर लेना और सीधा बिस्तर पे। मैं वो झाग वाला शैम्पू इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या मामू? हाँ बिल्कुल। ये बात। ओह, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या तुमने ट्राई किया है नाज़ली? हाँ मैंने भी ट्राई किया है। ठीक है फिर, मुझे इजाज़त दें आप लोग, मैं चलता हूँ। एक काम कंप्लीट करना है मुझे आज रात में। मिलते हैं। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं चाचू। मिलते हैं फिर। हाँ जरूर। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। मैं पूरे कमरे में झाग भर दूंगा। यार क्या कर रहे हो? किस तरह से तुम गाड़ी चला रहे हो? हाँ